अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे मूलियाँ पालक और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनेंगी इंशाल्लाह। तो चलिए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये हमने एक बर्तन लिया है और इसमें हम ऑयल ऐड कर देंगे एक कप। हम जैतून का ऑयल ऐड करेंगे, आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें एक कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे और इसको हम हल्का सा कलर दे देंगे। तो प्याज का लाइट कलर आ चुका है। अब हम इसमें लहसुन ऐड कर देंगे चॉप किया। तो लहसुन और प्याज का खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे और एक कप पानी ऐड करेंगे और कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और 1 टेबलस्पून हल्दी। अब हम इसमें कटी हुई मूलियाँ ऐड कर देंगे और मिक्स करेंगे। तो मूलियाँ हमारी अच्छे से भून चुकी हैं। अब हम इसमें पालक ऐड कर देंगे। अब हम पालक को अच्छे से मिक्स करेंगे और भून लेंगे हम इसको। पानी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, पालक का खुद ही बहुत ज़्यादा पानी होता है, हम इसमें ज़रा भी पानी ऐड नहीं करेंगे। तो देखिए सालन हमारा तकरीबन रेडी है। हमने इसमें कोई पानी कुछ भी ऐड नहीं किया और खुशबू बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आ रही है। तो सालन की हमने 25 मिनट अच्छे से भुनाई की है। फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसको हम डिश आउट करेंगे। तो देखिए तैयार है हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही यम्मी मूलियों पालक का सालन। और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो सीक्रेट रेसिपी ऑफिशियल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।